आपने बोलना है कि हम अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, बता दो सब। शुरू कर दे। हाँ एक बार बोल दो। हम अपने घर अच्छे से ठीक ठाक पहुँचे। हम इन सर का थैंक यू करना चाहते हैं जिन लोग मेहनत से ही सलामत अपने घर पहुँचा दिया और अपनी फैमिली से मिलवाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास हरमीत सिंह खानपुरी आप जी के चरणा च हाजिर है। सात संगत जी, पिछले कुछ समय तो खबर आ रही कश्मीर तो कि साड़ी सिख भैन उन्होंने जबरन चक के उन्होंने विआह करवा के निकाह करवा के उन्होंने तब्दील किया जा रहा मुसलमाना ने। बहुत खेद वाली तो बहुत शर्म वाली गल है। कुछ समा पहला 2 साल हो गए दास नू महाराज ने सेवा लाई सी। मेरे नाल मेरे दो होर दोस्त दास हरमीत सिंह खानपुरी, बलजीत सिंह बबलू और हरमंदर सिंह आलूवालिया, असी घरों करी 32 कुड़ियां ने बोलना कि हम अपने घर पर ठीक ठाक होंगे, बता दो सब। शुरू कर दे। हाँ एक बार बोल दो। हम अपने घर अच्छे से ठीक ठाक पहुँचे। हम इन सर का थैंक यू करना चाहते हैं जिन लोग मेहनत से ही सलामत अपने घर पहुँचा दिया और अपनी फैमिली से मिलवाए। जिहड़ियां कश्मीर छड़ के आए सी जदों 300 धारा का जिहड़ा कानून है वह हटिया सीगा, उस टाइम तो उत्थे आ हार सीगे कि करफ्यू सीगा ते बाहर जाना उत्थों दे घर दे जिहड़े लोकल आ उह अपने घरों नहीं निकलते सीगे। ते सानू कुड़ियां ने जदों बुलाया कि सानू घर तक छड़ के आओ तो उन्होंने पुलिस भी नकारती, आर्मी भी नकारती। उन्होंने कहा असी जाना तो सिखां नाल जाना है। तो यह सिखां दा किरदार सीगा जिहड़ा एक तरह का इतिहास वापस रिपीट होया। जितना पहला जस्सा सिंह आलूवालिया वाली हिंदुओं की कुड़ियां छुड़ा के उन्होंने घर छड़ के आते सीगे, इस बार मुसलमानों की कुड़ियां छुड़ा के असी उन्होंने घरों घरी छड़ के आए। यो जो थावां ते असी छड़ के आए जिते उत्थों दे रहण वाले बछिंदे नहीं जाते सीगे, जिन्हां विचों एक थां शोपियां सी जिते उत्थे कोई टैक्सी वाला होर भी कोई वह सुपना नहीं लेना चाहता सीगा कि उस थान पर वो इन्नी खतरनाक थान सी। दास नू दो बार यहोजा मौका मिलिया कि जदों सामने काल खड़ा सीगा बंदे ही मुरे खड़े सीगे कि असी हुणे इहनू मार देना साड़ देना, मगर गुरु महाराज के आशीर्वाद सदके अपने महाराज नू चेता रखते हुए असी सेवा पूरी लाई, घरों घरी सारे कुड़ियां नू छड़ के असी आए। हुण बड़ा दर्द हुंदा कि सिखां दे जिहड़ी सेवा लाई उत्थों की कुड़ियां मुसलमान कुड़ियां कश्मीरी कुड़ियां नू बचाण दी, ते अज साडे कुड़ियां दे नाल उत्थे आ हाल हो रहा। मैं बहुत धन्यवादी हाँ सारिया के जेडे सिख वीर ने इस उत्ते आवाज़ चुकी। DSGMC के प्रधान साहब भी जाके होके आए, जागो पार्टी के प्रधान साहब ने भी लाया, मगर मेरे दिल के अंदर एक अरमान सीगा, एक दिल के अंदर मेरी खटास सी जदों आपां उत्ते कुड़ियां छड के आए। उतों आउण तो बाद सानू किसी ने कोई हुंगारा नहीं भरिया, किसी ने साडा कुछ नहीं कहा। दुनिया की सारी अखबारों ने, दुनिया के सारे चैनलों ने साडी इंटरव्यू ली, मुसलमानों ने साडा मुबारक जिन्हों कह दो उस वेलकम भी किया, ईसाइयों ने किया, सिर्फ साडे जिहड़े सीगे साडे तो दूर है। इत्थों तक है कि साडे जिहड़े साबका प्रधान साहब हैगे मनजीत सिंह जीके जी, उन्होंने तो साडे दे उत्ते संगीन आरोप लाउण तो भी पिछे नहीं हटे। मगर हुण मैं जिदा पहले कहा सी कि सारे ना भुल जाणगे, एक चेता रहूगा कि सिख कुड़ियां छड़ के आए सी और आ एक इतिहास बनेगा, वो इतिहास बनिया। हुण ये लोग अपने जुबानी उस चीज़ नूं अपनी अपनी गल्लां तों दोहरा रहे कि सिरसा साहब बोले तो की GK साहब बोले। मैनू खेद इस चीज़ का कि अज अगर अहीं उत्थे हुंदे कश्मीर च तो मैनू पता कि जिहड़ी कुड़ियां नूं असीं घरों घरी छड़ के आए सीगे उन्हां दे सारे दे घर वाले साडे नाल खड़े होंदे उत्थे, क्योंकि जदों असीं अपनी जान हथेली ते रख के काम करके आए उस टाइम सानूं सारे बेवकूफ पागल गलत किन्ना कुछ कहा उन्होंने। और जिदा ही असीं दिल्ली दे अंदर प्लेन दे पहला 2 टायर एयरपोर्ट नूं लगे तो इत्थों फोन आने शुरू हो गए कि तुहाडे उत्ते इल्जाम लगने शुरू हो गए और इल्जाम साडे अपणिआं ने लाए। मैं बस इन्ना कहना चाहुंदा कि यह जबान दे छड्डी नहीं हुंदी, आपां बोलण तों पहलां सोचिए, क्योंकि दुनिया ते परिस्थिति दा कुछ पता नहीं किस टाइम ते क्यों जी हो जाण।
अज हुण जीते साहब उत्ते खड़ के हाथ मार के छाती ते कि सिख साडे कुड़ियां नूं उत्ते छोड़ के आए, सिख साडे करके ते साडे नाल ऐ हो रहा, ते इन्हां ने कोई कसर नहीं छड्डी थी साडे उत्ते इल्जाम लाण दी। सिरसा साहब नूं वी मैं गल कहणी सी, सिरसा साहब थोड़े तो अहीं दूर नहीं ना थोड़े विरोधी हैं, अहीं सिर्फ गलती साडी इन्नी है कि अहीं महाराज नूं समर्पित है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं समर्पित है, इस करके कोई भी नेता सानूं नाल नहीं बिठाना चाहुंदा, क्योंकि किसी भी नेता और किसी भी पार्टी की लत्तां 'च इन्ना जोर नहीं कि वह सानूं झेल जाए, यह सिर्फ साडी गलती है। सात संगत जी, ये गलती उन्हां दी हुंदी है जिन्हां दे अंदर जमीर जागदा होए। मैं तो बस इन्ना बेनती करना चाहुंदा कि जिन्हां ने यह काम किया उन्हां नूं प्रोट टू बुक्स सख्त तो सख्त सज़ा दिती जाए। नाल मैं दूजी गल कहना कि उत्थों दे रहण वाले इन्ने बगंदे नहीं, ये सारा कुछ पोलिटिकल होना, तो ये की होया की नहीं ये सरकारां दी गेम आ। साडी बस इन्नी मंग है कि जिदा असी उन्हां दी कुड़ियां दा आदर सत्कार पूरा कायम रखते हुए पहला पुणे, पुणे तो दिल्ली, दिल्ली तो श्रीनगर छड़ के आए, उदा ही जिहड़ियां साडे उत्ते भैणां उन्हां नूं महफूज रख्या जाए, तो उत्थों दे सारे बछिंदे दा यह हक भी बनता तो फर्ज भी बनता कि उन्होंने राखी कर, और खास करके सरकार की कि जदों तुम 370 हटाती है हूँ उतों के रहने वाले जी माइनोरिटीज उन्होंने ख्याल भी तुम रखना। इन्ना कहता हो समा तो जा चुकया, गाह कोई होर मुद्दा आया उस उत्ते जरूर उबरू होवेंगे। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।